आष्टा में नन्ही बालिका समृद्धि देशलहरा ने 8 उपवास की कठिन तपस्या की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने समृद्धि देशलहरा का स्वागत और सम्मान किया। साधुओं के पावन वर्षा योग की स्थापना के साथ आत्मकल्याण और विश्व शांति की मंगल कामना लिए श्रद्धालुओं ने व्रत उपवास और कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया है। चतुर्मास के लिए विराजित अणुव्रत से पूज्य संत मुनि जी की निष्ठा में समृद्धि देशलहरा ने कठोर 28 तप की साधना की। इस मौके पर ग्राम मगरदा सिद्दीकीगंज में समृद्धि देशलहरा का स्वागत किया गया। लोगों ने वरघोड़ा निकालकर समारोह आयोजित किया। लोगों ने धर्म के सिद्धांत और वैज्ञानिक रीति नीति को वर्तमान परिवेश में सभी के लिए हितकारी बताया और देशलहरा परिवार को बधाई दी। गौरतलब है कि समृद्धि ने मात्र 8 वर्ष की आयु में 8 दिन लगातार निराहार रहकर उपवास किया है। उन्होंने कठिन तपस्या कर अन्य लोगों को भी प्रेरणा दी है। इस अवसर पर विधायक रघुनाथ सिंह मालवी, जनपद प्रधान धारा सिंह पटेल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।